यूपी के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान कल पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। अपने 2 दिवसीय दौरे के प्रथम दिन उन्होंने चूका गेट नंबर 4 पर बनाए गए सिग्नेचर गेट का लोकार्पण किया। इसके बाद वे चूका पिकनिक स्पॉट पहुंचे और वाटर हट का भी लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चूका पिकनिक स्पॉट पोर्ट ब्लेयर से कम नहीं है। उन्होंने अपने पौधारोपण की उपलब्धियां गिनाते हुए कई अन्य बातों पर भी हमसे विस्तार से चर्चा की। इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिसे चूका जब पहले मैं भी नहीं आया था तो मैं लोगों को सुनता ही था चूका क्या है, और देखने के बाद फिर जो कंसेप्ट एकदम से चेंज हुआ और देख रहे अगर यहाँ देखने के बाद जो व्यू है आपका, ये तो लगता है कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं जी। अंडमान निकोबार आप लोग गए होंगे जी, बिला तुम तो गए होगे वहाँ से। हाँ तो यहाँ तो लगता है कि पोर्ट ब्लेयर में है। अगर जिसको पोर्ट ब्लेयर नहीं जा पाता है उसके लिए इससे आसान रास्ता पहुंचने का पोर्ट ब्लेयर में और कुछ नहीं है। ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश को ही मिलता है, और जिस तरीके से आपने हट को देखा इस पानी के बीच में, तो पोर्ट ब्लेयर में भी ऐसा नहीं मिलेगा। ये पोर्ट में बल्कि कॉलम बीच में शायद आपको मिल जाए, नहीं तो पोर्ट ब्लेयर में तो नहीं है। और इस तरीके की जो सोच है हमारे डिपार्टमेंट के। अच्छा सर, जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की बात आप भी कह रहे हैं, आपकी सरकार भी कह रही है, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हम देखते हैं कि यहाँ पर पर्यटन के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व है उसमें पर्यटन के लिए एक अलग वन क्षेत्राधिकारी पोस्ट हैं जो केवल पर्यटन देखते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है। महोप रेंजर को ये व्यवस्था दी गई है, वो अपना जंगल देखेंगे या पर्यटन देखेंगे, तो इसकी कोई व्यवस्था सर कराई जाए सर? तो पूरी तरीके से फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इसको देखता है जी, कि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन किस तरीके से हट बनाना है, उसको रिनोवेट करना है, अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, घटाना तो ही नहीं है जी। इसको बढ़ाना है तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो है इसको देखता है, और जिस तरीके से आए दिन जो फुटफॉल बढ़ रहा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में ये उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाने का काम करेगा। और जिस तरीके से हमारे फॉरेस्ट के अफसर और कॉर्पोरेशन के संयुक्त प्रयास से हम लोग इको टूरिज्म को एक कीर्तिमान हासिल करने की दिशा में प्रयासरत हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में जो उत्तर प्रदेश के लोग या दूसरे प्रदेश के लोग दूसरे दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, अभी आपने देखा होगा इससे जो है दिल्ली को, अगल बगल के स्टेट को, पंजाब हरियाणा के लोग जो जिम कार्बेट जाते हैं जी। अभी हमने अमानगढ़ जो कभी जिम कार्बेट का बफर था जी। हमने न्यू कार्बेट का नाम दिया है, और उसको भी हम डेवलप करेंगे, क्योंकि साइटिंग वहाँ एलिफेंट हो, टाइगर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो उसको भी हम लोग डेवलप करने का जिम कार्बेट में जंगल के किनारे बिल्कुल रिसोर्ट बने हुए हैं, बिल्कुल साइड में। हाँ हाँ, वो रिसोर्ट बने हैं, व्यवस्था नहीं है। नहीं ठीक है, जबकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा। नहीं, यहाँ पर भी व्यवस्था हो रही है जी। और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर जो भी बफर में, अगर जो लोग चाहें, हम तो पूरी तरीके से कि जो चाहे तो कर सकता है। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन भी इस पर विचार करे, अगर हमको उचित स्थान मिल जाए तो हम भी इसको कुछ डेवलप करेंगे। बिल्कुल। और जिम कार्बेट में आप देखते हो पाती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग जो है आपकी चूका में होती है जी। जो एक बार यहाँ आता है तो फिर पलट करके जिम कार्बेट नहीं जाता है। सही है। और जितना डेंस फॉरेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में है वो जिम कार्बेट में ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए हम लोग पूरे मनोयोग से लगे हैं, पूरा विभाग लगा है कि हम लोग आने वाले दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी सोच है, तो हम उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म के क्षेत्र में जिस तरीके से हमने प्लांटेशन के क्षेत्र में हमने विश्व रिकॉर्ड बनाने का है, उसका वायलेशन न करते हुए हम प्रयास करेंगे कि इको टूरिज्म बिना इसकी क्षति पहुँचाए, बिना सेफ्टी का वायलेशन किए, हम चाहेंगे कि इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, और यहाँ भी वैसे ही करेंगे।